नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आधार कार्ड में कैसे अपन एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, किराएदारों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों वो एक जगह से दूसरी जगह मकान खाली करके जाते हैं और उनको जरूरत पड़ जाती है अपनी एक एड्रेस प्रूफ आईडी की। तो दोस्तों, उसके लिए उनको चाहिए आधार कार्ड। तो दोस्तों, जैसे ही कोई फॉर्म भरते हैं या किसी चीज़ में, तो अपने वो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किराएदारों को एड्रेस अपडेट करने का तरीका बताया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है दोस्तों कि किराएदारों के पास रेंट एग्रीमेंट होना आवश्यक है। दोस्तों, बिना रेंट एग्रीमेंट के आधार में अपडेट नहीं होता है, और या फिर उनके पास होना चाहिए वोटर आईडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे अपन आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें किराएदारों को सबसे पहले अपने रेंट एग्रीमेंट को स्कैन करना होता है और स्कैन कॉपी को पीडीएफ में बनाकर भारतीय जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ऑफिशियल वेबसाइट है वो देगी, उस पर अपलोड करना होता है। उसके बाद में वो कार्ड वेरीफाई हो जाता है और उस पर अपडेट हो जाता है। मात्र 3 दिन में उस पर एड्रेस अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट है आधार की, उस पर जाना होगा uday.government.in। दोस्तों, इस साइट पर जाके आपको थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आ रहा है अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए चाहिए रेंट एग्रीमेंट, वोटर आईडी, लाइट का बिल या जो भी एड्रेस प्रूफ है वो इसके लिए चाहिए होता है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। दोस्तों, आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा है वो कैप्चा टाइप करना है। दोस्तों, ये डालने के बाद में सेंड ओटीपी कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेंड ओटीपी क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है और वो आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर देता है। दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाता है तो उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है, प्लीज सेलेक्ट हाउ यू वुड लाइक टू अपडेट एड्रेस। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अपडेट एड्रेस वाय एड्रेस प्रूफ और यहाँ पे है एड्रेस सीक्रेट कोड, तो आपको ऊपर वाला क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप ये क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे केयर ऑफ, यहाँ पे आपको अपने फादर्स का नाम या जो भी है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर होता है, प्लॉट नंबर, जो भी आप एड्रेस देना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों, ये जानकारी आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। उसके बाद में दोस्तों, ये करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे इधर नाम है वो आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है और हिंदी में आपको सेव कर लेना है और उसके बाद में प्री पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप फ्री पे क्लिक कर लेते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे आई हैव कंफर्म टू योर एड्रेस
यहाँ पे सबमिट कर देना है, टिक मार करके सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप टिक मार करके सबमिट कर देते हो तो आपके सामने कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने को अपलोड करने होते हैं। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों क्या क्या अपन एड्रेस चेंज कराने के लिए डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट पासबुक है, और राशन कार्ड है, वोटर आई डी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट फोटो आई डी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वोटर ई है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। रेंट एग्रीमेंट है तो अपन यहाँ पे जैसे वोटर आई डी है, अधिकतर के पास वोटर आई डी रहती है तो आपको जेपीजी में या पीडीएफ में वोटर आई डी डाल देनी है, उसकी साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है कि यूर अपडेट रिक्वेस्ट प्रोसीड टू कंप्लीट सक्सेसफुली। तो आपके सामने आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज आ जाता है और आपको यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने कुछ ये इस प्रकार की पीडीएफ फाइल आ जाती है और उसके द्वारा आप कुछ एक या दो दिन बाद में आप आधार स्टेटस चेक कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार की पीडीएफ फाइल आपके सामने आ जाती है तो आपको ये जो नंबर है यहाँ पे जो यूआरएन अपडेट रिक्वेस्ट नंबर ये आपको लिख लेने हैं या राइट कर लेने हैं, जो भी है आपको उसको ध्यानपूर्वक संभाल के रखना है और मात्र 2 या 3 दिन बाद में आपको चेक कर लेना है। दोस्तों आपको इनको चेक करने के लिए आधार की ये ऑफिशियल वेबसाइट इस पे जाना होगा और यहाँ पे बता रहा है चेक आधार अपडेट स्टेटस, तो आपको यहाँ पे चेक आधार अपडेट स्टेटस पे डालना है वो यूआरएन नंबर। यहाँ पे आपको वो यूआरएन नंबर डालना है और वेरिफिकेशन पे करके चेक स्टेटस कर देना है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।